आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में एमएस एक्सेल का हम लोग आज यूज जानेंगे। आज से हम लोग एक्सेल का पहला क्लास चालू करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं, कितना रो, कितना कॉलम, क्या होता है। आज पहला दिन इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग करेंगे। तो एमएस एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट करने का मतलब है इसको हम लोग अकाउंटिंग पैकेज भी बोलते हैं। आपका जो एक्सेल है ये डिवाइडेड बाय रो और कॉलम, ये आपका एक्सेल रो और कॉलम में डिवाइड होता है। जितना भी मैथ का फॉर्मूला हम लोग गुना जोड़ घटाव भाग मैथमेटिकल फंक्शन जो भी होता है हम लोग एक्सेल में सीखते हैं। तो हम लोग एमएस वर्ड पढ़े, एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर में आपको बताए थे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट तीन चीज़ पढ़ना होता है। इसमें आपको हम एमएस वर्ड पढ़ा चुके, आज उसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एमएस एक्सेल चालू करेंगे। तो एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं। तो एमएस एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट करने का मतलब है इसको हम लोग अकाउंटिंग पैकेज भी बोलते हैं। आपका एक्सेल रो और कॉलम में बटा होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग वही बात वर्सन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले 6 वर्सन आया, उसके बाद 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, जिस तरह से एमएस ऑफिस वर्ड का वर्सन सब आया, उसी तरह से एक्सेल भी उसी का पार्ट है। तो ये वर्सन इस सब का है। एक्सेल में हम लोग कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हम लोग इक्वल टू साइन लगाते हैं। यहाँ हम आपको लिखे हैं, बताए हैं। एक्सेल में एक्सेल हम लोग चर्चा किए कि हमारा एक्सेल रो और कॉलम में बटा होता है। तो पुराने वाले वर्सन में रो इसका 65536 होता है और कॉलम 256 होता है। इन 2007 एवं उसके ऊपर वाले वर्सन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा रो 1048576 होता है और कॉलम 16384 होता है। ये हमारा छोटा मोटा एक्सेल का कंसेप्ट हुआ। हम लोग देखेंगे कि एक्सेल का हम लोग यूज कैसे करेंगे, एक्सेल पर वर्क कैसे करेंगे, कैसे रो और कॉलम को हम लोग समझेंगे, क्या सेल होता है, क्या एड्रेस होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आप चाहे तो एक्सेल यहाँ पे सर्च दिया हुआ है, आप यहाँ भी एमएस एक्सेल लिख करके ला सकते हैं। आप लिखेंगे एक्सेल तो आपको यहाँ पे चला आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जो भी वर्सन है आपको दिया है। आप यहाँ से खोल लीजिए या आप डेस्कटॉप पे रखिए, जहाँ से रखिए आप एक्सेल ला सकते हैं। ये हमारा एक्सेल आ गया। ये रहा आपका एक्सेल, नया चीज़ है, नया परिचय है, नया चीज़ से मिलिए, नया रहा। ये हमारा एक्सेल रहा, ये हमारा यही चीज़ हमारा एक्सेल है। इसमें सारा अकाउंट से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। ये वर्ड की अपेक्षा वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ाए थे कि इसमें लिखने गुना मैथमेटिकल के अलावा जो भी अकाउंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्ड था वो हम लोग कर सकते थे। एक्सेल के हम लोग अकाउंट से रिलेटेड वर्ड सीखेंगे। यही हमारा सेल एड्रेस है, इसको हम लोग सेल पॉइंटर बोलते हैं, जो आपका बटा होता है। ये देखिए, ये जिस सेल में होता है यहाँ पे दिखता है E5। यहाँ पे जो सेल में आप कर्सर रखते हैं यहाँ पे दिखता है, हम लोग इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ये सब जानते हैं, सब मेनू है, ये सब को बोलते हैं। यही आपका नीचे में आते थे कॉलम हो गया, आपका ऐसे रो हो जाता है, कहलाता है। तो ये रो कॉलम का कंसेप्ट है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें 500 लिखते हैं, 200 लिखते हैं, ये देखिए 200 लिखा गया। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें 300 लिखते हैं, ये 300 लिखा गया। अब ये 300 कैसे समझेंगे, तो जो ही हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए पहले पढ़ते हैं सी और इसके सामने 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये C6 एड्रेस में 200 लिखा हुआ है। वैसे भी आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे C6 दिखेगा, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। अभी 300 मेरा किस सेल में लिखा हुआ है, तो F8 में, F8 डालेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि F8 में ये डाला हुआ है। इस तरह से हम लोग सेल समझते हैं। इसी में हम लोग आज जानेंगे कि गुना जोड़ घटाओ भाग का सिंपली सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करके लो चलेंगे। तो हम आपको बताएं एक्सेल में कि कोई भी फॉर्मूला जब आप यूज कीजिएगा तो उससे पहले हम लोग इक्वल टू साइन लगाएंगे। अगर आप इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं तो वो वैल्यू कहलाता है। जनरली सेंस में वो आपको वैल्यू के सेंस में चला जाता है कि उसमें कोई भी चीज़ आप लिख जनरली लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग एक्सेल में आते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं 200 लिख दिए, 300 लिख दिए, तो हमारा लिखा गया। लेकिन अगर इसको हम लोग गुना जोड़ घटाओ भाग या ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है तो इक्वल टू लगाएंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं 200 जोड़ 500, लिख के इंटर मारिए, इसमें देखिए 700 आंसर आ गया। तो आप इसमें जिस सेल में लिखेंगे उसी सेल में हमारा एड्रेस दिखाता है, उसी सेल में हमारा रिजल्ट दिखाएगा, मतलब फॉर्मूला आपको फाइंड आउट होकर दिखाएगा। और सामने ये फॉर्मूला बार हुआ, इस पर हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है।
हम लोग जो यहाँ दो 700 कैसे आया तो यहाँ पे दिखा, हम लोग सिंपल अगर 200 यहाँ लिख दिए तो यहाँ दिखा, अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग को इस टेंस में दिखा, तो हमारा ये एक्सेल में जोड़ का है। अगर सपोज कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू दीजिए 200 जोड़ 500, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल दीजिए तो ये गुना हो गया, इक्वल टू दीजिए 200 माइनस 500, ये हमारा देखिए ये घटा देगा, इक्वल टू दीजिए 200, सपोज कीजिए इसको भाग दीजिए मान लीजिए कि 20 से, तो आपको ऐसे दीजिएगा, इक्वल टू आप देख करके देख सकते हैं, मान लीजिए 200 का 10% निकालना है तो 10/100 आप ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए निकल गया, या इक्वल टू 200 का गुने के लिए स्टार दीजिए और 10% आप ऐसे भी लिख करके आप इंटर मारेंगे तो आपका ये परसेंटेज निकाल देगा। तो इस टाइप से हम लोग जो भी काम करना है इक्वल टू लगा के फॉर्मूला में एक्सेल के हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। सिंपल आप कम कम अंक का आप चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे 2 जोड़ 2 तो देखिए 4 आ गया, इक्वल टू हम लोग करते हैं 2 माइनस 2 तो देखिए आपका आंसर दे दिया, इक्वल टू लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 तो आपका देखिए आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग करेंगे इक्वल टू दीजिए 4 या 5 बाई डिवाइडेड कीजिए 2 से, तो आपको इस तरह से आंसर दिया। तो ये हमारा है कम कम अंक का गुना जोड़ घटाओ भाग करके आप इसको देखिए ताकि हमको आंसर समझ में आए, ये हमारा बेसिक चीज़ है। इसके अलावा हम चाहें तो इसको सेल से सेल भी जोड़ सकते हैं, ये सपोज कीजिए कि इक्वल टू दीजिए ये हमारा किस सेल में लिखा हुआ है C6, आप लिखेंगे यहाँ C6, अगर आपको प्लस करना है तो प्लस लिखिए, और ये देखिए आपका किस में है F, और इसके सामने डालिए F8, सपोज कीजिए कि F8 लिख के आप इंटर मारेंगे तो उस सेल में जो भी है 5 और 3 जोड़ के 5 जो कि 500 आ गया। तो इस तरह से आप जोड़ भी सकते हैं, तो इसको चाहे तो घटाना है, सपोज कीजिए कि इस सेल से माइनस कर दीजिए, इस सेल को आप इंटर मारिए तो देखिए माइनस कर दिया, फिर इक्वल टू दीजिए हम चाहते हैं कि इस सेल से मल्टीप्लाई कर दे, इस सेल को क्लिक कर दीजिए, आप देख के भी लिख सकते हैं तो कर देगा, फिर इक्वल टू दीजिए हम चाहते हैं कि इस सेल से डिवाइड कर दे, इस सेल में जो वैल्यू लिखा हुआ है उस सेल से, तो आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से हम लोग सेल से सेल भी गुना जोड़ घटाओ भाग कर सकते हैं, आप जनरली यूज करके भी जनरली फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा एक्सेल का बेसिक कंसेप्ट होता है कि एक्सेल को हम लोग यूज कैसे करेंगे। हम आपको बताए हैं कि एक्सेल में 65,000, 10,000, 10,48,576 होता है, ये जो हमारा नीचे का भाग आया 10 लाख में जाता है, आप इस टाइप से ऊपर जाते हैं, इस टाइप से आप जाते हैं तो ये हमारा ये आपको दिखाता है 16,384 कॉलम होता है। तो ये सब चीज़ हम आपको बारी बारी से आगे बताएंगे कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। आज हमारा पहला दिन का वर्क है, तो पहला दिन हम आपको इंट्रोडक्शन गुना जोड़ घटाव भाग एक्सेल का क्या वर्क है ये सब हम बताएंगे। इसके अलावा अब थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें मार्कशीट टाइप का हम बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इस टाइप से इसमें नेम लिखते हैं, जोड़ के देखते हैं, मार्कशीट बना के यहाँ पे नेम लिखिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम फिजिक्स का मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहे तो केमिस्ट्री लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो बायोलॉजी लिखिए, यहाँ पे आप मैथ लिखिए, मैथ बनाइए, यहाँ पे हम लोग चाहे तो टोटल ले सकते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस टाइप का डाटा आप भरिए, ये डाटा एंट्री करना होता है, इसी को हम लोग डाटा एंट्री बोलते हैं। सपोज कीजिए कि राम भरते हैं, यहाँ पे आप श्याम भरिए, इसमें मोहन लिखिए, जो आपको जितना डाटा होगा आपको ये एंट्री करना होगा, ये मोहन है, रवि है, आप इसमें जौहर लिखिए, जो भी लिखना है। अब इस यहाँ पे मार्क्स भरते हैं, आपको अपना मन से, चूंकि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं तो हम अपना मन से इसी हिसाब से मार्क्स जो चाहे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा एंट्री करने का कंसेप्ट रहता है, इसमें एंट्री करके हम आपको जोड़ना कैसे जोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। इसमें आप भरिए, इसमें भरिए, जो आपको भरने का मन है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो एक्सेल में गुना जोड़ घटाओ भाग आपको से रिलेटेड वर्क हम लोग कर सकते हैं। ये रहा, आप मैथ का मार्क्स लिया अपने हिसाब से भर दीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कितना भराएगा जो रहे, ये रहा। अब हम लोग यहाँ पे टोटल और परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि टोटल कैसे निकालेंगे। तो दो तरीका है जोड़ने का, एक तो हम सेल से सेल भी जोड़ सकते हैं, दूसरा हम लोग वैल्यू भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट में। तो इक्वल टू दीजिए, आप जनरली पहले जोड़ते हैं हम लोग 33 प्लस 66 प्लस
फिर 66 फिर प्लस दीजिए और 33 लिख के आप इंटर मारिए, देखिए आपका 198। ये आपको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी जोड़ा गया। दूसरा तरीका है सेल से सेल भी जोड़ेंगे, तो इक्वल टू दीजिए, इसमें लगाइए कितना है 33, तो B2 यहाँ पे लिखेंगे आप, B2 प्लस हम लोग लिखेंगे C2 प्लस D2 प्लस E2, ये लिख के आप इंटर मारे, ये देखिए हमारा वही एड्रेस आया, वही आया। तो इस तरह भी हम लोग जोड़ा जा सकता है। फिर नीचे के लिए क्या आ जाएगा हमारा, फिर B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 और इसको इंटर मारिए, तो आपको जोड़ दिया। फिर इक्वल टू में क्या लिखेंगे, B4 जिस सेल में हो, B4 प्लस दीजिए, C4 प्लस दीजिए, फिर हमारा हो जाएगा D4 जोड़ E4 जोड़, हम लोग कर सकते हैं इसको E4 तक ही, F में हमारा टोटल निकलेगा तो उसको नहीं करेंगे, इंटर मार दीजिए। फिर हम लोग करते हैं इसी तरह से, हम लोग B5 प्लस हम लोग करते हैं C5 प्लस D5 प्लस E5, आप इसको जोड़ लीजिए, फिर इक्वल टू दीजिए, नीचे है C6 तो C6 प्लस हम लोग करेंगे C6 B6 भी, B6 प्लस हम लोग करते हैं C6 प्लस D6 प्लस E6। तो आप इस तरह से सेल के एड्रेस से भी हम लोग जोड़ सकते हैं, इस तरह से हमारा हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो मैथ में जैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वही फार्मूला हम लोग को यहाँ भी परसेंटेज के लिए यूज करना है। सपोज कीजिए कि हमारा 500 पूर्णांक में हमारा 198 आया, हम जानना चाहते हैं कि इसका कितना परसेंटेज हुआ, तो इक्वल टू दीजिए 198, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले नॉर्मली कीजिए 198 मल्टीप्लाई 100 बाई जितना पूर्णांक होता है, सपोज कीजिए कि 500 में हमको निकालना है, तो आप 500 से भाग दीजिए तो हमारा 39.6% मार्क्स आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो इसको सेल से निकालिए, क्या लिखेंगे, F2 गुने 100 और बाई 500। हम पहले ही आपको बताया कि जितना हमारा टोटल पूर्णांक होता है, आप 400 से 500 से 800 से आपको जो पूर्णांक हो उससे आप भाग दीजिए, मैथ में यही कंसेप्ट रहता है। तो हम लोग 500 से भाग देते हैं तो क्या हमारा निकल गया। फिर नीचे के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे F3 गुने 100 और फिर आप बाई कीजिए 500, फिर हमारा निकल गया। फिर क्या करेंगे, F4 गुने 100 बाई आप 500 से भाग दीजिए, फिर निकल गया। फिर हम लोग करेंगे इक्वल टू F5 गुने 100 और जितना पूर्णांक है हम 500 से भाग देते हैं, इक्वल टू दीजिए F6 मल्टीप्लाई 100 बाई 500, ये रहा। तो इस तरह से हम लोग गुना जोड़ घटाव भाग हम लोग कर सकते हैं। तो आप एक्सेल में, हम आपको और क्लास आपको डेप्थ बताएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको शॉर्टकट निकालना भी बताएंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, पहला दिन इंट्रोडक्शन है, हम लोग एक्सेल में गुना जोड़ घटाव भाग करके करना ही हम लोग आज पहला दिन सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे कि MS Excel क्या है, MS Excel का हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसमें फार्मूला का कैसे यूज करेंगे, गुना जोड़ घटाव भाग ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हम लोग कैसे करते हैं। आप इतना बना के रखें, इतना पहले प्रैक्टिस करके देखें, सीखें इसको पहले। इसके अलावा हम चाहें तो इसको, चूंकि हमको नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इसको कंट्रोल एस के माध्यम से आप सेव करके रख भी सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। तो आप इस फाइल को जहाँ पर चाहें, आपकी मर्जी, हम एक्सेल का फोल्डर बनाए हैं, इसमें सेव करके आप इसको INT करके हम लोग इसको रख सकते हैं। तो इस नाम से हमारा ये फाइल आपका सेव हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डेप्थ पढ़ेंगे, इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। हमारा आज का वीडियो इतना ही रहा कि MS Excel का क्या है, स्प्रेडशीट किसको हम लोग बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं,
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें बेल आइकन आएगा, उसमें जा कर के आप ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय पे आप उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।